ये था ग्लोबल विलेज का सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट। चलो भाई अंदर चलें। रवि का आपके लिए मैंने बना लिया ताजमहल, बोला था ना। आराम से बैठे यहाँ पे, देख ले मैडम क्या। गाइस BTS हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं अपना आउटफिट दिखाता हूँ। बहुत देर हो रही थी और बहुत जल्दी जल्दी मैं रेडी होकर नीचे आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं बाल नहीं बने हुए, तो मैंने बोला यही हेयर स्टाइल है आज का मेरा, तो लेट्स गो। हम जाएं कहाँ, क्योंकि हमें इतना टाइम हो गया था निकलते निकलते, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। तो फिर दिमाग चला और मैंने बोला चलो ग्लोबल विलेज चलते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ अभी फिलहाल रात में सिर्फ वही जगह थी। क्योंकि हाँ अगर लड़के लड़के होते तो फिर बहुत ऑन सीन था, वहाँ से ऐसे करके गेट खोलते और तो ऐसा कोई सीन अभी फिलहाल नहीं है और वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं ग्लोबल विलेज और हंसना बंद करें, आगे देखें। ओके, पिछले साल ग्लोबल विलेज गया था तो हमें एंट्रेंस नहीं मिली थी क्योंकि हमारे साथ फैमिली नहीं थी, लौंडे थे और उन्होंने बोला चलो बेटा अगला लगाओ। अठे हुए थे कि यार किसको बोले किसको बोले, एक्सप्लोर करके ही छोड़ेंगे कि क्या है ग्लोबल विलेज में ऐसा। नहीं का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूं और आज हम कुछ ना कुछ बना लें। सब्सक्राइब का बटन दबा दें। थैंक यू। ये है ग्लोबल विलेज। ओए होए होए, मैंने कलर रखा हुआ है। अभी नोटिस किया है यार, और मुझे देखे जरा, एसटी क्लोथिंग ब्रांड एवरीवेयर। हाँ साथ में तो जाहिर सी बात है ना, प्यारे बहुत लगते हैं, लेकिन आप मानती नहीं है ना। अगर आप मान जाए तो बहुत तेज हो रहा है। ये कर्ज चढ़ा है आबाद यार, लेट्स गो। दम कदम यार, कितना प्यारा कलर हो रहा है, पिंकिश पिंकिश कलर हो रहा है, और वहां पे हो रहा है पर्पल कलर। पिक्चर हुसैन साहब लेंगे, प्यारी सी। यस क्यों नहीं बोल रही मुझे, कट जाएगा। सेइंग यस मतलब लोग बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, कल हम बनाएंगे। समझ रहे हो? कल हमारा चैलेंज होगा, बल्कि ये मैं नहीं बताऊंगा, ये व्लॉग भी देखती है। एक और एक चीज सरप्राइज दूंगा आप लोगों को। अंदर चलते हैं क्योंकि मैं ज्यादा लंबाई नहीं करूंगा। आई एम लुकिंग सो मच वाओ साइकिल, तुम यहाँ से जाओ। पिंक कलर, ओ माई गॉड, वाओ। स्काई ब्लू कलर, ओ माई गॉड, क्या बात है। चलो भाई चलो चलो जल्दी जल्दी वंडी जल्दी, रेड लाइट हो गई। क्या बात है यार, क्या व्यू है। बड़े हरामी हो बेटा। हादी भाई कैसे हैं? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे पास जो टाइम है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहीं पे आ सकते हैं ग्लोबल विलेज पे, तो हमने बोला बस ऑन सीन है, फैमिली के साथ है, फैमिली के लिए नाइट के लिए यही जगह। मैंने यही तो बोला, लौंडे लौंडे होते हैं, सिर्फ दरवाजा खुलना और पार्टी सीन है। समझ रहे हो? हाँ खुद अपने हाथ से किया होगा, मैंने इधर काम किया, मैंने 3 महीने काम किया। क्या कह रहे हो आप, ये जो सीन है ना, मुझे ऐसा लगा ये पूरी कंस्ट्रक्शन हुई है, बट ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पे, लोहे का सांचे बना के यहाँ पे जो फोम है ना, उससे ये सारी चीजें सब कुछ किया हुआ है, अपने हाथ से बनाया हुआ। हुसैन भाई सच्ची मजाक नहीं, मैंने क्या कह रहे हो। और ये सिर्फ एक नहीं, अंदर A to Z कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो लोहे का सांचे बना के फोम से बना के ऊपर। अच्छा मतलब कुछ भी यहाँ पे वो नहीं है, अंदर कोई बिल्डिंग नहीं है। इतने शानदार विचार रखते हैं, डार्क सीक्रेट है दुबई का। ये था ग्लोबल विलेज का सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट, इसकी माँ का भोला चेहरा। चलो गाइस यहाँ पे जो हमने स्नैप्स वगैरह बनानी थी वो अच्छी आई नहीं है, तो फिर अभी हम अंदर जा रहे हैं, टिकट्स वगैरह लेंगे। कोई नहीं, आपकी तो बहुत अच्छी आई, मेरी ही अच्छी नहीं आई। आपकी बहुत अच्छी आती है, ये लड़कियाँ ना कभी सेटिस्फाई नहीं होती। अंदर और अच्छी लोकेशन है और पिक्चर्स, तो मैं बाहर आकर ही पिक्चर्स लूंगा। रवि का आ जाए यार, बहुत थक गया हूँ, बिठा लें प्लीज यार। यहाँ पे मिलेगी टिकट और यहाँ पे रश इतना है, मैंने बोला लड़कियों वगैरह को पहले जल्दी मिल जाएगा,
लेकिन फिर मुझे याद आया दुबई है, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी सिस्टम नहीं है कि लड़कियाँ हैं तो फिर उनकी लाइन छोटी है और लड़कों की लंबी लाइन है, सब इक्वल है। मुझे नोट इतने प्यारे लगते हैं यहाँ के यार, ओए पाकिस्तान में ज़्यादा बनते हैं ना इसके, इसलिए अच्छे लगते हैं। चलो भाई लाइन लगी हुई है, बस टिकट लेंगे। अब मैंने खर्चा कर दिया ना वो सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोग हो के सब्सक्राइब नहीं करके दे रहे यार, ऐसा नहीं करो यार, खर्चे कर रहे हैं यार। लाहौरी आवाम तो सारी कर दो क्योंकि भाई लाहौर से हैं, यहाँ पे इज्जत रखो लाहौरियों की, तो सब्सक्राइब ये ना बोले लाहौरियों पीछे हैं, लाहौरियों को ये चैलेंज मिल गया है। टिकट आ गई, चलो 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 भाई अंदर चले। हाँ जी पता चला, ये था डार्क सीक्रेट ग्लोबल विलेज का, आज मैंने डिस्कवर कर ही दिया है। देखें तो है क्या इस गांव में, ग्लोबल गांव में, यहाँ पे तो मुंह तरे में लोगों के और वो लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहे। तो मैं थक गए होंगे ना बेचारे यार, क्या कह रहे हो आप, यहाँ कैसे आ गए, आपको तो कहीं और खड़ा किया था। ये वॉल क्लॉक, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, चाइना, ये जापान है, इजिप्ट, वहाँ पे बुद्धिस्ट वगैरह सारी लगी हुई। देखते हैं अंदर क्या क्या है, कंसर्ट भी चल रहा है सामने, वो देख रहे हैं कंसर्ट चल रहा है। चलो 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 आतिफ, आतिफ यार, आतिफ असलम का कंसर्ट को लाइव देखना है। ये लोग कहाँ गए, एक मिनट फोन आ जाए भाई, ये नहीं मुझे ये कैप्शन नहीं लगाना कि रवि काले खो गए और मैं ऐसे करके पूरा अकेला घूम रहा हूँ। यार क्या फिट बना हुआ है ना सब कुछ, आ रहा हूँ बैठने, जिसको पीछे बैठना है, अरे पीछे तो जगह ही नहीं है, ये ऊपर शीट लगी हुई है। ऐसे मतलब ग्लोबल विलेज को एक्सप्लोर नहीं करना है, इसकी मतलब हम लोग नोक झोंक निकालने आए, कंस्ट्रक्शन वालों ने छापा मार दिया ग्लोबल विलेज पे। दुबई वाले बोले क्या हो गया बेटा, क्या कर रहे हो ये, चलो आओ इसकी खूबसूरती पे बात करते हैं, आ जाओ। जापान में जाएं, इजिप्ट में जाएं या फिर किधर जाएं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहाँ चले गए रबीका वाले यार, मुझे लग रहा है आज का ब्लॉग बनेगा ही मेरा, ऐसे खो गए भाई सब। होए होए होए, एक वो थे ना यार, इतना खूबसूरत है ना यहाँ का मंजर, मुझे पता है आप लोगों को व्यू से कोई लेना देना ही नहीं, आप बस ऐसे ऐसे झांक रहे हो कि कोई अच्छी दिख जाए। मैं जानता हूँ बहुत तेज हो रहा साल, ये समझ ही नहीं रहे, पाकिस्तानी मस्जिद में ऐलान करा दूंगा, रबीका खान आप किधर हैं, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। यार कहाँ है वो, देखो भाई जहाँ पे इनको कपड़े दिख जाए लड़कियों को, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे ही रहेंगे। और गाइस एफिल टावर भी मैंने देख लिया, यही ये होती है बात, एक ही जगह पे रहते हुए आप सब कुछ देख। रबीका आप क्या चाह रही हैं, मुझे आप ये बता दें कि आप क्या चाह रही हैं, एक घंटे से ढूंढ रहा हूँ। तो 5 मिनट हो गए मुश्किल से, मुझे मिल गया, सॉरी डिस्टर्ब कर दिया, मैं जा रहा हूँ, प्यार लड़का मेरे अलावा कोई दिखता नहीं है, आप इंजॉय करें मैं बाहर जा रहा हूँ, बाय। बहुत तेज हो रहा है। रबीका आपके लिए मैंने बना लिया ताजमहल, बोला था ना बस कर रहे हैं, क्या ताजमहल तो बना चुका है, तो मुमताज जो है ना, मुमताज वो चल बसी है। अच्छा जी, बहुत रश हो रहा है। अच्छा ये तुर्की है, ये पाकिस्तान है, इंडिया वहाँ है, वो आ गया, वो रहा इंडिया, यहाँ पे एंट्रेंस ही यहाँ से जाना था, लेकिन पाकिस्तान उधर है। यार क्या मतलब, चेक करो यार, आप कैमरे में देख रहे हो, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, फिर गुम हो गए। चलो भाई अब ये डिसाइड हो गया, क्योंकि इनकी रील्स खत्म नहीं हो रही, खत्म मैं जा रहा हूँ उधर और आप यहाँ पे रील्स बनाए अपनी, ऑन सीन है, पिक्चर आंटी बना लेंगी ना फिर, आप बोल रही है तो मैं जाऊँ पक्का। टर्की है तो टर्की में टर्की के कपड़े, टर्की की सारी चीजें, हर चीज मिलेगी, पाकिस्तान में पाकिस्तानी, इंडिया में इंडिया, मतलब पूरा सिनेरियो ये है। और मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे बहुत जल्दी कवर करना है सब कुछ। पाकिस्तान की याद आए तो पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, पहले पाकिस्तान का क्या सीन है, हमारा मुल्क कैसे बना हुआ है पहले ये देखूंगा, उसके भाई अंदर चलते हैं, पाकिस्तानी ड्रेसेस देखते हैं। होए 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 होए, क्या बात है यार, इसी दुकान का 1.5 लाख धर्म रेंट, रेंट क्या कह रहे हैं, ड्रेस निकल जाए इनका पूरा सीन से। लारे की शादी के लिए ड्रेस यहीं से ले लेता हूँ, कपड़ा ले लेता हूँ, सिलवा कहीं और से लूंगा या तो, अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं। मैंने आपको पहचान लिया है, यहाँ वाले पाकिस्तान का भी वही रूल है, हमें मास्क पहन के घूमना पड़ेगा, इससे बेहतर हम लोग बाहर चलते हैं, नहीं नहीं पहनना, पाकिस्तान में आके पाकिस्तान वाली वाइब आ गई, बाजार आ गई, मेरे ख्याल से जैनब मार्केट आ गए। चलो बैठ जाए, आराम से बैठे, यहाँ पे देख ले मैडम क्या चाहिए आपको, क्या लॉन
और क्या होता है, रेशमी, नीला, जॉर्जेट, क्या चाहिए आपको बताएं जल्दी। चले बाहर चले, मीनारे पाकिस्तान भी आ गया, वहाँ पे भी था हमने बोला दुबई में भी रख लेते हैं एक एहतियातन। नाइस ना, क्या बात है सर, क्या यूएई है ये, क्या है ये भी यूएई में आता है। अच्छा ये भी आता है, ये आती है क्या यूएई शॉप्स? यहाँ पे हर चीज की मिलेंगी आपको, खाना पीना ये वो, पैसा ही पैसा। दो भाई, दो भाई, मजा आया भाई। भुट्टा भुट्टा तुर्की, पाकिस्तानी भुट्टे सही है हमारे, सस्ते तो हैं कम से कम, हाथ रोकना पड़ता है कहीं कहीं पे। तभी का वो देखो शो चल रहा है, वो देखो डांस चल रहा है, स्टेज है ना, प्रॉमिस बाय गॉड, बिल्कुल सामने स्टेज है। मुझे बहुत दिल था ये डांस लाइव देखने का, मेरे एक्साइटमेंट ना बढ़ी जा रही है। ओए होए होए होए, इस पक्का हो गया, एक और बार ग्लोबल विलेज में आऊंगा, हर जगह अंदर जाके एक्सप्लोर करूंगा क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टंट जो अंदर तरह तरह के स्टंट होते हैं, गेम यहाँ पे बहुत ऑन लग रहा है मुझे, ऐसे रेड हर जगह आ जाता है और बोलते हैं हाँ भाई दो भाई, और मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है भाई, बाद में देखेंगे। अरे ये बात है, देखो जो ये देखने में मजा आएगा ना गाइस, वो जो डांस है, आप बोलोगे हमारा देखना वसूल हो गया हुसैन, ये किया है आपने कोई गेम। रबीका ने असल में हील्स पहनी हुई है, उनसे बिचारी से चला ही नहीं जा रहा। पहले मेरा अनाउंस हो गया, आ जाए, चलो जल्दी जल्दी भागो गाइस, जल्दी जल्दी भागो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गोलगप्पे खाने रुके हैं, फिर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ये करतब देखना, एक दिन मैं भी स्टेज पे ऐसे ही करतब दिखाऊंगा गाइस। BTS आ गया, मैं तालियां मत बजाओ, मैं आ गया, सब तालियां बजा रहे हैं, मैं आया हूँ तो सब तालियां बजा रहे हैं। सब बैठे हुए यहाँ पे करतब देखने के लिए, आप देख सकते हैं, तो भाई बैठ के आराम से एंजॉय करते हैं। इधर चलते रहेंगे, अब हमारा काम नहीं, हम इंडिया वाला देखेंगे। अमेरिका आ गया, यूरोप आ गया, अफ्रीका आ गया, रशिया, और रशिया आ गया, क्या ही बात है, सब कुछ एक साथ मिल गया, मतलब मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। बाद में चलेंगे हम लोग यूरोप की साइड पे, अभी हम चलते हैं यहाँ पे झूले देखें पहले कि झूले किस हिसाब के हैं यहाँ पे। वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस राइड्स हैं यहाँ पे, तो अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस आ गई भाई जो शेर को डराएंगी।
गाइस कोरी आ गया मैं यहाँ पे। यार मेरे ख्याल से ना अंदर जाना ऑफ है, पहुंची मुझे समझ ही नहीं आती, तो अंदर जाना बिल्कुल ही ऑफ है। बाद में मिलेंगे आपसे आपके ही मुल्क में आकर। इतना बच बचा के चलना पड़ रहा है और अपनी आंखें भी इतनी कंट्रोल में रखनी पड़ी है ना गाइस। आप मेरी आंखें देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैमरे में टिकी हुई है और आप लोगों की आंखें मुझसे हटी हुई है। ये गलत बात है ना, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना गाइस। थाईलैंड आ गए, आपको बहुत शौक था ना थाईलैंड जाने का, थाईलैंड बैचलर पार्टी हो या कुछ भी हो, बंदे को मुझे थाईलैंड जाना है। और देखो थाईलैंड के बाहर आकर भी थाईलैंड नहीं जा रहा, ये होती है बात। क्या बात है सर, आपको फ्री में मैं घुमा रहा हूँ पूरी दुनिया, मैं एक ही व्लॉग में घुमा रहा हूँ। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, गलत कर रहे ना, सब्सक्राइब कर दे फौरन, क्योंकि अभी जा रहा हूँ मैं सबसे मोस्ट डेंजरस राइड्स की तरफ। वाह, लेकिन बैठूंगा नहीं क्योंकि ये तो हमारे वहाँ पे भी है बहरिया में, ये गेम खेला जाए ना अगर, तो मैं देखूं पहले उसके बाद सोचूं। बीगा को अगर मैंने जीत के कुछ दिया ना तो कम से कम खुश हो जाएंगी, पता नहीं कहाँ गोलगप्पे खा रही हैं वो यार। मैंने बोला कि मेरे फैंस नाराज हो जाएंगे अगर मैंने उनको सब कुछ नहीं दिखाया, और रबीसेन के लिए मैंने बहुत अच्छा सीन रखा हुआ है कल के ब्लॉग में, तो मिस मत करिएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बेकार है आजो, तो पागल बना सकते ना इजीली। क्या झूला है यार और क्या व्यू है यार, मतलब क्या व्यू है यार। गाइस झूले को देखो ना, कहाँ देख रहे हो आप लोग, वहाँ देखो। सॉरी ओ भाई बचाओ, गिर जाओगे, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या तुम लोगों को? नहीं करो यार, ऐसे देखे भी मरने आए हो यार। पहली बार पता चला यूएई में भी मेरे अरबी फैंस हैं यार। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। चलो भाई एक और पागल बनाने की स्कीम आ गई, अगर आना लेके कैसे जाओगे, वो जा रहा छोटा बच्चा लेके। ब्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है लेकिन ब्लॉग बहुत मजे का होने वाला है, तो गाइस मजा आ जाएगा। ओ माय गॉड, क्या सीन होगा इधर यार। ये बेचारे को यहाँ पे जंजीरों से बांधा हुआ है, आप देख सकते हो। क्यों कह दो, पाँव तो देखो उसके। ओ भाई क्या हो गया, खैरियत है, सब ठीक है? चलो चलो अल्लाह भला करेगा। यार ये बहुत ऑन सीन है, चेक तो करो कितना ऊपर है। हील्स वगैरह भी पहनी हुई, और रवि का आपने मिस कर दिया, मेरे साथ होती ना मैं और एंजॉय करता। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। तो मैं रानी बाग और ये वहाँ पे भी झूल लेता हूँ अलादीन पार्क में। बहुत राइड है यार, कब से बोल रहा हूँ, कब से बबल आ रही है बात के बीच में, मजा ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे टोटल फूड स्ट्रीट बनी हुई है, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज मिलेगी आपको। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मुझे भूख लग रही है, तो मुझे यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। बंदू खाने इधर वर्ल्ड फेमस चीजें हैं यहाँ पे हर कंट्री की। एक और शो चल रहा है, मैं बोल थोड़ी सी झलक दिखा के आ जाता हूँ। ओहो ग्लोबल ईगल चेक कर सकते हो आप लोग, इनको सबको छोड़ दें वहाँ चलते हैं हम लोग, देखें जरा क्या है भाई। रशियन डांस ऐसे होता है, भाई आप कहाँ आ गए राजस्थान से उठ के? ओए होए होए मजा आ गया। हाल लंबे करने की दिल उड़ी भाई। जाते जाते मैं आपको बता दूं कुछ स्टार्ट हो गया यहाँ पे। गाइस इंडिया में आ रहा हूँ, ये ना हो कि आप लोग मुझे पकड़ के अंदर डाल दो। आ जाओ यहाँ पे तो मैं जाऊंगा। बहुत ऑफ सीन हो गया, मुमकिन वाली बात है कि वो मिल जाए।